देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। एम्स नई दिल्ली में गुरुवार सुबह उन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने 1 मार्च को लगवाई थी। वहीं सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वैक्सीनेशन उन चंद तरीकों में से एक है जिसके जरिए कोरोना को हराया जा सकता है, इसलिए अगर आप वैक्सीन लगवाने की एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो इसे तुरंत लगवा लें। बता दें कि पीएम मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज पंजाब की सिस्टर नेहा शर्मा और पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदिता ने लगाई। सिस्टर नेहा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे बात की, मुझे उनसे बात करने और उन्हें वैक्सीन लगाने का मौका मिला, ये मेरे लिए एक यादगार पल था। वहीं सिस्टर निवेदिता ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन की पहली डोज दी थी, आज मुझे उनसे दोबारा मिलने और टीका लगाने का मौका मिला, मैं फिर से बेहद खुश हूँ। उन्होंने हमसे बात की और हमने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री देश भर के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक की थी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।